आइए अब चैप्टर थ्री के एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। दो व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 9/7 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी हमें इन दोनों आदमियों की मंथली इनकम निकालनी है। दोनों आदमी के जो इनकम का अनुपात है वो 9/7 है और जो खर्चों का अनुपात है वो 4/3 है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ टू पर्संस बाय आरएस 9x एंड 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर by RF 4y and 3y। हमने उनके इनकम को 9x और 7x और जो एक्सपेंडिचर है उनको 4y और 3y मान लिया है, जैसा कि रेशियो में दिया हुआ है। अब हमें एक क्वेश्चन फॉर्म करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपए बचा लेता है। अगर एक आदमी 9x रुपीज एक महीने में कमा रहा है और 4y रुपीज एक महीने में खर्च कर रहा है तो 9x माइनस 4y रुपीज वो बचाएगा। Hence, from question, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसी तरह दूसरा आदमी भी 2000 रुपए बचाता है महीने के, तो उसकी इनकम में से उसके खर्च को निकाल दिया जाए तो उसकी सेविंग बचेगी, यानी 2000 रुपये। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम सेकेंड मान लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 × 3 एंड इक्वेशन 2 × 4। वी गेट 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। स्टेप टू, इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड। वी गेट 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये क्वेश्चन थर्ड है, ये फोर्थ है। हमें फोर्थ में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। माइनस प्लस माइनस, 12y कैंसिल। 28x माइनस 27x इज इक्वल टू x और 8000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 2000। x इज इक्वल टू 2000। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9x की वैल्यू हमने 2000 निकाली है। 9 × 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4000। हेंस देयर मंथली इनकम इज 9x इज इक्वल टू 9 × 2000 इज इक्वल टू 18000 और 7x is equal to 7 × 2000 is equal to 14000. Their monthly expenditure is 4y is equal to 4 × 4000 is equal to 16000 and 3y is equal to 3 × 4000 is equal to 12000.